क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल डी इज अ पॉइंट ऑफ बी सी सच दैट द लाइन ज्वाइनिंग ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। इफ द लेंथ ऑफ बी डी एंड बी सी आर 4 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड ए सी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी और सी। ए डी जो है एक बी सी पर पॉइंट है जो कि ए को बाइसेक्ट कर रहा है। डी जो है एक बी सी पर पॉइंट है जो कि ए को बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी डी की लंबाई कितनी है, इसका लंबाई है 4 सेंटीमीटर और बी सी की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो डी सी की लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हमें पूछा है कि इसका और इसका रेशियो क्या होता है। देखिए अगर कोई लाइन किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करते हुए अपोजिट साइड पर, यानी कि उसके सामने वाले साइड पर वो लंब डालती है, तो क्या होता है कि जो उसके बाकी का जो दो साइड होते हैं, जो दो साइड से कि ये साइड और ये साइड जो है, इसका प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में ये विभाजित हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में डी सी। ए बी कितना है, ए बी नहीं पता है, ठीक है, ए बी हमें नहीं पता है, ए बी को हम ए बी ही रहने देते हैं। यहाँ से बी डी कितना है, बी डी है 4 सेंटीमीटर और डी सी कितना है, ए सी भी हमें नहीं पता है, डी सी कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए 6 AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 4 AC। यहाँ से ए बी अपन में ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 अपन में 6, यानी कि 2:3। यानी कि ए बी इज टू ए सी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।